First Prime Lady, Line Sushil Avasthi Ji, Joint Chairperson, Line Abdul Hamid. साल जो नई टीम चुनी जाती है, नई कमेटी होती है, उसका एक इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हो गया। इस साल हम लोगों ने स्पंदन नाम रखा है, आज इंस्टॉलेशन हुआ है। नई पीएसटी चुनी गई है, जिसमें प्रेसिडेंट का रूप में मुझे चुना गया है। सेक्रेटरी के रूप में विकास कुमारी और ट्रेजरर के रूप में डॉक्टर शाह मोहम्मद है। एक साल तक तो मेरे प्रेसिडेंटशिप में लाइन्स क्लब सिवान जो है वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। और उम्मीद जता रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी ज़रूरतमंद जिसे बहुत ज़्यादा निडी होगा, उस तक हम लाइन्स क्लब के माध्यम से मदद पहुँचाने का काम करेंगे। काफ़ी दिनों से सचिव के पद पे आपने काम किया, अब नई जिम्मेदारियाँ मिली है, अध्यक्ष बने हैं, किस तरह की चुनौतियाँ रही? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है समाज में, सोसाइटी में आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ करने के लिए। सेक्रेटरी के रूप में हम लोगों ने इस काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है और प्रेजिडेंट के दौरान काफ़ी मदद किया है। एक प्रेजिडेंट के रूप में अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास होगा कि जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, समाज के जिन जरूरत नहीं पहुँच पा रहे थे, उन तक पहुँच की मदद हम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन पर हमारा फोकस होगा, लोगों को कोरोना जैसी बीमारी को लेकर के जागरूक करने का हम लोगों का काम होगा। इसके अलावा फूड पर अंदर गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करने का हमारा इंतजाम है। इसके अलावा और भी कई ऐसे सोशल वर्क लाइन्स क्लब को आप इसके एक साथ करेंगे। लाइन्स क्लब का परिवार लगातार बढ़ रहा है, आज टोटल कितने लोग जुड़े हैं, इससे कौन कौन लोग? अभी हम लोगों की मेम्बरशिप पहले से 42 रजिस्टर और 52 लोगों के एक्टिव मेम्बरशिप। इसके आज 6 लोग और जुड़े हैं सोसाइटी में, वैसे लोग आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपके अंदर समाज के प्रति कुछ करने का जुनून है, कुछ माता है, आप सोचा है उसे मदद करने का, अपने हमारे क्लब से जुड़े, हमारे क्लब से जुड़े समाज के लिए बेहतर करने के। लाइन्स क्लब इंटरनेशनल में क्या है कि हर साल जो है जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजर होते हैं उनका अप्रोप्रिएट जो है वो चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस होता है तो नए लोग आते हैं तो उनको पद और उनकी गरिमा का जो है उनको ओथ दिलाया जाता है, साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताया जाता है। और ये काम हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो हर हाल में होना है। जैसे मैं गवर्नर हूँ तो मुझे पूरे बिहार की जिम्मेवारी है एंड पार्ट ऑफ झारखंड की जिम्मेवारी है। जैसा मेरा ओथ इंटरनेशनल ने कराया है कि मैं पूरे बिहार के चीज़ों को कैसे देखूँ, उसी ढंग से ये सिवान क्लब के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनको बताया गया है कि आपको इस पद की शपथ दिलाई जा रही है कि आपको जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का संविधान है उसको फॉलो करना है, उसमें आपकी क्या क्या जिम्मेवारी है, आपको कैसे फिनांस मेंटेन करना है, आपको कैसे बजट बनाना है, मीटिंग में जब जाएंगे तो आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्लस उनके गोल्स भी हैं ना, हम लोग देखना चाहते हैं इस साल उनकी क्या प्लानिंग है जिससे कि क्लब आगे बढ़ सके। क्योंकि आज 103 साल हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल का हो चुका है, इसका मतलब है कि हमने 103 साल पीछे जो है बहुत अच्छा काम किया है।
और कई हजारों वर्ष जो है आगे बढ़े उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लब जो है वो अपनी प्लानिंग करे। तो हम इस फंक्शन के थ्रू जो है उनको इंस्टॉल करते हैं, उनकी प्लानिंग देखते हैं, इनकी रिपोर्टिंग के लिए बताते हैं कि आपको रिपोर्टिंग ये करना है, प्लस जो आज मैं यहाँ आया हूँ तो इनकी रिपोर्टिंग मैं इंटरनेशनल भी करूँगा कि इस क्लब में मैं गया था और इनका बजाबते जो है इंस्टॉलेशन हो गया है।